आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है या प्राप्त होने वाली है। आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होने वाली है कि आपके जो सिद्ध हैं वो आपके साथ हैं। आप शक्ति में महसूस कर रहे हैं, आपको शक्ति प्राप्त हो गई है, या आपकी ऊर्जा इतनी प्राप्त हो गई है कि आज आपके बाबा हैं, आपकी जो सिद्धि है आपके साथ है। ये सब चीज़ें आपको पता है, पर पता कैसे चलती हैं? बहुत सारे दोस्त मेरे भक्त पूछते हैं भक्त कि जी पता क्या चलता है कि हमारी जो सिद्धि प्राप्त होने वाली है, मुझे शक्ति प्राप्त हो गई है, मेरे जो ईस्ट है वो मेरे साथ चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो संकेत हैं, जो संकेत मैं आपको बताने वाला हूँ, उन संकेतों से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सिद्धि है वो सफल हो चुकी है, आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। और दिव्य शक्ति प्राप्त होने के कई तरीके होते हैं और कई कारणों से प्राप्त होती है, तो वो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये कॉमन है, सभी के लिए है। अब इसमें से कौन सी चीज़ें आपके साथ जुड़ती हैं वो चीज़ आपको कोरिलेट करनी है अपने साथ में, कि अपने लिए आपके लिए कौन सी चीज़ें, ठीक है? तो उसको आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि बाबा की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके, और शेयर ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि और भक्तों तक भी जानकारी पहुँच सके, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त होती है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जय हर वीर महाराज की, जय धाम हर की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे बाबा तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है आप सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज का आशीर्वाद चलता है आप सभी के प्यार सपोर्ट से। प्यार सपोर्ट बनाए रखें, शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो देखिए, दिव्य संकेत, जब भी दिव्य शक्ति प्राप्त होती है आपको, तो दिव्य संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, दिव्य संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए कैसे होता है ये सब चीज़ें, बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि जब आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी साधना, आपका जो एक लेवल है आपका भक्ति करने का, पूजा करने का या साधना करने का, जब वो लेवल तक पहुंच जाते हैं आप, तो आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आपको आपके जो ईष्ट हैं, आपके जो देवता हैं वो आपके साथ हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है तो इसके संकेत आपको मिलते हैं। सबसे पहला संकेत बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला संकेत और सबसे आसान संकेत है, ये अक्सर होता है, आपके साथ भी हुआ होगा तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। होता क्या है? होता यह है कि आप अगर, आपके दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है, आपको आपकी सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो अक्सर होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, यानी कि सुबह 4 से 6 के आसपास जब आप सो रहे होते हैं, तो उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में आपको आवाज़ लगती है। 3 बजे 4 बजे 5 बजे आपको आवाज़ आती है, आवाज़ आपके नाम से पुकारा जाता है, आपको आपको उछीटा होता है, एकदम सोते सोते किसी ने मुझे बुलाया है, किसी ने मुझे पुकारा, इस तरह से आपको उछीटा होता है। तो जब भी आपको उछीटा होता है कि आपको किसी ने बुलाया है, आपके नाम से आवाज़ लगी है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप समझ लीजिए आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है, आपके ईस्ट आपको उठा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियाँ उठ जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, और जब वो एक्टिव रहती हैं, उठ जाती हैं, तो वो आपको भी एक्टिव करती हैं। तो अक्सर इस वक्त अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में आवाज़ लगती है, अगर आपके नाम से आवाज़ पुकारी जाती है, आपको वो चीटा होता है, सोते सोते आपकी आंखें खुलती हैं, आपको लगता है कि आपको किसी ने पुकारा है, आपको किसी ने हिलाया है, आपको किसी ने उठाया है, तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि आपकी सिद्धि पूरी हो गई है और जो दैवीय शक्ति आपके साथ है वो आपको क्रियान्वित कर रही है। क्योंकि देवता, दैवीय शक्तियाँ ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं और क्रिया करती हैं, तो इसी वजह से जो भी दैवीय शक्ति आपके साथ होती है वो आपको भी क्रियान्वित करती है, आपको भी उठाती है कि चल भाई ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उठ और प्रभु के भजन में लग जा, ईष्ट के भजन में लग जा, शक्ति के भजन में लग जा, अपना पुण्य बढ़ा, ठीक है? अब इसके साथ ये आपके साथ होता है, अगर ये नहीं होता तो दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा आपको बता देता हूँ, जब दिव्य शक्ति प्राप्त होती है या आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है या आपके देवता आपके साथ आ जाते हैं, तो होता क्या है? होता यह है कि उस वक्त आप अगर अपने बाबा का नाम लेके, अपने ईष्ट का नाम लेके, अपने देवता का नाम लेके, जिसको भी आप पूज रहे हैं, जिस भी शक्ति को आप मान रहे हो, अगर उनका नाम लेके आप कोई बात कहते हैं किसी को, अपने परिवार में, अपने संबंधियों में, अपने दोस्तों में, अपने सहयोगियों में, या किसी को गुस्से में बोलते हैं उस वक्त, कोई श्राप देते हैं या कोई बद्दुआ देते हैं या कोई आशीर्वाद देते हैं किसी को भी, तो जिस वक्त आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई होती है, तो आप ये समझ लीजिएगा अगर आप बाबा का नाम लेकर, अपने ईष्ट का नाम लेकर ये कार्य करते हैं,
तो अगर आपने 10 बार ये कार्य किया है तो 10 में से 7 या 8 बार ये कार्य सिद्ध हो जाता है। 100% तो आपका नहीं होगा, कलयुग का समय 100% तो नहीं होता, बट हाँ ये जरूर है कि 10 में से 7 या 8 बार आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अभी मैंने इसको ये बोला ये हो गया, उसको बोला ये हो गया, उसको ये बोला हो गया। बहुत सारे सज्जन बोलते हैं कि बाबा मैं क्यों, मेरे पे शक्ति आती है और मुझसे पूछता है तो मैं बताता हूँ तो उसका काम हो जाता है। मेरे साथ भी पहले शुरू शुरू बहुत हुआ ये, मैं जिसको बताया उसको काम हो गया। तो मैं भी तो ये कार्य कैसे हैं, ये कार्य शक्ति के होते हैं। जो शक्ति जो ईष्ट आपके साथ होता है, जो देवता आपके साथ होते हैं, ये उसके कार्य होते हैं। और वो जब आपके साथ होता है तो ऐसे कार्य करता है। तो होता क्या है कि जब वो ईष्ट की सिद्धि आपको मिल जाती है, शक्ति आपको मिल जाती है, तो इस तरह के कार्य शुरू हो जाते हैं और आपकी सिद्धि पूरी हो जाती है, आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी शक्ति प्राप्त हो जाती है तो बाबा का नाम लेके, ईष्ट का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, जिसको भी आप शक्ति मानते हैं अपनी, उनका नाम लेके, जब आप कोई नाम लेकर जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं या गुस्सा होते हैं किसी को या प्यार से कोई बात कहते हैं, तो वो बात संपूर्ण हो जाती है। 10 में से 7 अगर होता है तो आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है, आपकी सिद्धि सफल हो चुकी है, ये बिल्कुल आप मान के चलिएगा। तीसरा, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं या पाठ करने बैठते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो जब भी आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के पास जाते हैं, किसी शक्ति के पास जाते हैं, किसी देवता के पास जाते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, हवन में बैठते हैं, तो उस वक्त आपके सिर में बहुत तेज झंझनाहट होती है, आपको हल्का सा सुरूर पैदा होने लगता है, चक्कर भी कई बार आ जाते हैं, कई बार कमर में शरीर में अकड़न पैदा होने लगती है, होता कुछ नहीं है, बस होने लगती है, महसूस होने लगता है, आपका सिर भारी होने लगता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जी पर जाते हैं तो आपके जो ऊपर शक्ति होती है, जो भी आपके साथ देवी शक्ति चल रही है, वो भी अपना असर छोड़ने लगती है, अपनी पॉजिटिविटी छोड़ने लगती है आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो जब भी आप पूजा करने बैठते हैं आप सुरूर में आ जाते हैं, कई कई घंटे तक पूजा कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कितनी हो गई है पूजा, तो वो तब भी ऐसा होता है। जब आप पूजा करने बैठते हैं या किसी हवन पूजा में गए हैं, जागरण में गए हैं, किसी मंदिर में गए हैं, तो वहाँ सुरूर आ जाता है आपको, आपके सिर पे जो है एक प्रेशर सा आ जाता है, आपके सिर पे तो ना थोड़ा भारीपन महसूस होता है, आपकी बॉडी पे भारीपन महसूस होता है। तो ये जो भारीपन महसूस होता है, ये सुरूर आता है, ये भी शक्ति का ही परिचायक है, ये भी शक्ति का परिचायक है कि शक्ति आपके ऊपर आ चुकी है, आपकी सिद्धि पूरी हो गई है। अब इसके बाद की बात करते हैं, एक और आपको वो बता देता हूँ संकेत, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। एक संकेत ये है कि जब भी आपके ऊपर दिव्य शक्ति प्राप्त होती है तो आपका जो स्वभाव है बहुत सौम्य होता चला जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राप्त हो चुकी है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, आपकी जो सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपका स्वभाव जो है सौम्य होता चला जाता है, आप सौम्य, आप मतलब धैर्यवान होते चले जाते हैं। ये नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पर धैर्यवान किस संदर्भ में हो जाते हैं, किस संदर्भ में, सपोज आपको कोई नुकसान हो गया है, आपको कोई परिस्थिति विडम्बना आ गई है, आपको कोई मुसीबत आ गई है, उस कंडीशन में आप बहुत धैर्यवान हो जाते हैं, किंतु गुस्सा बहुत आता है आपको, तो ये भी संकेत है कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो भाई आपको अपनी दिव्य शक्ति को आप पहचानिए, समझिए, उसकी उपासना कीजिए और लोगों का भला कीजिए। चेला गोरख का चैनल सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बाबा के अलग जगाते रहें, बाबा सबका भला करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारखंड।